अभी थाईलैंड पवेलियन मैंने देखा, थाईलैंड में भी वैसे ही है सर। तो अभी क्या हम लोग वॉकिंग थ्रू में ही जाते हैं और यहाँ पे कुछ लोचा वगैरह भी है, लोग परमिशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो अपने को वो सब लोचे में जाना ही नहीं है, अभी हम लोग पवेलियन का बाहर बाहर से ही करते हैं, इनसाइड जाने का जरूरत ही क्या। और सब तो है ही वही सब चीज़ है नॉर्मली जो है। देखिए ये है थाईलैंड पवेलियन, सही ये आपका कोरियन पवेलियन, ऐसे हर एक पवेलियन में अगर घूमते जाएंगे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और आपके पास आज ही का ही है, एक दिन में कवर करना इम्पॉसिबल है। ये ग्लोबल विलेज जो है पूरा राउंड से चारों तरफ से एक एक पवेलियन है। अभी सामने ये है यूरोप का पवेलियन, देखिए ये जस्ट उसका साइड में ही है रशिया। रशिया के साइड में ही है अफ्रीका।
हमारा ग्लोबल विलेज का सफ़र आज यहीं ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अच्छा लगा हो तो बताइएगा, अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से ही हमें इंस्पिरेशन मिलेगा। और अभी हम दुबई में हैं, कल फिर नया जगह नया ब्लॉग, तो तब तक के लिए आज गुड नाइट, बाय बाय।